देखो मैं अकेले हूँ यार, मतलब मेरा मूड ही खराब हो गया। वो बंदे ना भाग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। गए, मैं इनसे बात नहीं कर रहा सच बोलूँ तो। मैं ना सीधे ही निकल, ये वहाँ पे रुके हुए थे, मैं सीधे आ गया। अब ये भी आ गए, ये यहाँ पे रुक गए। तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सब मज़े में होंगे। तो गाइज़, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मतलब और भी होना चाहिए बट उतना नहीं हूँ, क्योंकि आज आधा ड्रीम पूरा हो रहा है। तो मतलब आप बोल रहे हो कि क्या बोल रहा है भाई, कि आधा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं लद्दाख राइड करूँ, बट वो तो नहीं हो सकता आज। तो आज करगिल तक हम जा रहे हैं बाइक पे, तो मतलब खुशी बहुत ज़्यादा है। तो पेट्रोल वेट्रोल सब कुछ हो गया है, कल ही हमने सभी तैयारी कर दी है, बस अभी निकलना है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ साजिद भाई की शॉप पे, उधर ही से निकलते हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, बाइक को मैंने कोल्ड स्टार्ट किया। बाकी चेक करो, आज मैंने लॉन्ग शूज़ वूज़ पहने हैं, क्योंकि बारिश भी हो सकती है एंड ठंड भी है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। क्योंकि बारिश हुई थी रात को, सुबह से बारिश हो रही थी आपको, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो आज संडे है शायद, हाँ संडे ही है। तो अभी निकलते हैं साजिद भाई की शॉप पर एंड ये चेक करो सेटअप। मैंने मसला एक है कि जो माइक का इशू था, तो वो चल रहा है अभी भी, देखते हैं इसका भी कुछ करेंगे। फिलहाल तो मैं इससे शूट करूंगा बट वॉइस ओवर करूंगा बाद में, क्योंकि आवाज़ तो अच्छे से आती नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। फिलहाल मैं निकलता हूँ, मिलता हूँ उधर ही। तो हाँ जी गाइज, अभी पहुँच चुके हैं साजिद भाई की शॉप पे। ये रही मेरी बाइक, ये साजिद भाई की रॉयल एनफील्ड एंड आदिल भाई की RC। बाकी ये बंदे पूरे रेडी हो रखे हैं, बस अभी निकलना है इधर से माजोन में। तो हाँ जी गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग, अभी फिश पॉइंट के पास रुके हुए हैं। तो सभी भाई इधर वॉशरूम गए, मैं तो बैठा हूँ क्योंकि मुझे नहीं जाना। बाकी बाइक, आदिल भाई की बाइक की हालत देख लो यार, ये देखो। तो अभी पहले इधर पीते हैं चाय वाय, उसके बाद निकलते हैं करगिल के लिए, बहुत ही मज़ा आएगा। मौसम अब सही हो रहा है, फिर भी सूरज बाबा निकल रहे हैं, आसमान भी सही क्लियर हो रहा है, तो आई होप कि मौसम ठीक ही रहे। तो अभी निकलते हैं, नहीं पहले चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे। तीन ही बाइक से हम, हुसैन भाई नहीं आए यार, उनने थोड़ा मसला किया एंड एक सीन हो गया कि मेरे हाथ से ना हुसैन साजिद भाई का हेलमेट गिर गया, तो उसका जो माउंट था ना वो टूट गया। तो मैंने अपना माउंट निकाल के साजिद भाई को दिया, तो मैं मोटो व्लॉग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कैमरा बैग में है। मैंने खुद का माउंट साजिद भाई को दे दिया। तो फिलहाल करते हैं चाय जल्दी ख़त्म, इधर चाय बोला इनको बनाने के लिए, वो बना रहे होंगे। तो चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं फिर। अभी चाय वाय पी के हम निकल चुके हैं, वो बंदे आगे आगे जा रहे हैं यार। मैं कैमरा ऑन कर रहा था, माउंट निकाल दिया है, वही मुसीबत है। तो अभी चलते हैं, अभी हम पहुंचे कुछ इस तरह की लोकेशन पे। देखो क्या मस्त लोकेशन है, पीछे से देखो रुके कहाँ पे, मतलब बहुत डर लग रहा है अगर ऊपर से पत्थर वत्थर आए ना, सीन हो जाएगा। एंड नीचे देखो यार मैं किधर पे हूँ एंड हाइट किस हाइट पे है, मतलब वो उधर बोलतल है, उधर जहाँ हेलीपैड लैंड होते हैं। तो अभी इधर से निकलते हैं, मिलते हैं आगे, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा धूल है। तो हाँ जी गाइज, अभी जोजला पे पहुँच चुके हैं। अभी डिसाइड हो रहा था ऊपर वाले रोड से जाए कि नीचे वाले, तो फाइनली डिसाइड हो चुका है कि नीचे वाले रोड से जाएंगे, क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए। अभी निकलते हैं इधर से, मिलते हैं आगे। बाकी ये रहे ये दो बंदे। तो गाइज पहुँच चुके हैं हम कैप्टन मोड। तो यहाँ पे ना एक बार क्या हुआ था कि आर्मी CEO की क्या थे आई डोंट नो, अच्छे से मुझे नहीं पता, वो और उनकी फैमिली ना मतलब यहाँ से नीचे गई थी, उस याद में ये बनाया गया था शायद से, जितना मुझे पता है। बाकी यार ये चेक करो, वो देखो ऊपर वाला रोड उधर से जाता है, वो जो आपको वहाँ पे वो दिख रहा है ना, वो रोड है ऊपर का। एंड ये देखो मतलब कितना खूबसूरत है यार, बोलने की क्या ज़रूरत ही नहीं है यार, आपको खुद ही समझ आ गया होगा। बट इतना ख़तरनाक है ना भाई, बाइक पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो यही बोलूँगा भाई, जो अभी फुल ट्रेन नहीं है वो बिल्कुल भी ना आए, बहुत ख़तरनाक है यार। एंड इधर से मैं दिखाता हूँ हम आए कहाँ से, ज़्यादा आगे नहीं जाओ। तो ये चेक करो, हाइट चेक करो गाइज, हाइट कितनी है। एंड उधर से देखो, वो दिख रहा है वो यू टर्न्स, उधर से हम आए हैं, मतलब आए तो हम उधर से है, वो देखो ये पत्थर मार रहा है। साजिद भाई ज़्यादा आगे नहीं जा यार। तो गाइज उधर से हम आए हैं एंड देखो अभी कहाँ पे हैं एंड जाना किधर है यार, बहुत दूर जाना है, बहुत ज़्यादा। एंड देखो ट्रक्स वक्स आ रही है, तो अभी निकलते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो अभी सीधे मिलते हैं फिर आगे। हाँ जी गाइज, अभी हम सोजला क्रॉस करके बहुत आगे आ चुके हैं यार, मतलब बहुत खुशी हो रही है। बट कब्दू की हालत देखो, ये चेक करो, ब्लैक पहन के आया हूँ, धूल इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो मत। बाकी व्यू चेक करो यार, ग्लेशियर चेक करो, अभी भी बर्फ़ है। एंड उधर से बड़े बड़े पहाड़,
उधर से ना इतना गंदा रोड था, इतना गंदा रोड था, बाइक ना खुद ही यूं यूं कर रही थी। फिलहाल तो हम बैठे इधर ही थोड़ा रेस्ट लेते क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए। बाकी आप कुछ शॉर्ट्स डालूंगा मैं, ये देखो साजिद भाई से भी कुछ शॉर्ट्स लेंगे, तो क्योंकि मेरा माउंट तो पता ही है क्या सीन है, एंड उनसे भी कुछ शॉर्ट्स लेंगे। कुछ सिनेमैटिक्स उठाए हैं मैंने, वो भी दिखाऊंगा, एंड कुछ उठाऊंगा भी, वो भी दिखाऊंगा। बाकी बाल वाल कैसे लग रहे हैं आज भाई के कमेंट में ज़रूर बताओ। तो फिलहाल करते हैं रेस्ट, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं मीनामर्ग, अभी साजिद भाई गए हुए एंट्री कराने उधर। किधर गए यार? वो रहे एंट्री करा रहे हैं, यहाँ पे एंट्री ज़रूरी करानी होती है, लाइसेंस नंबर वगैरह कुछ लिखना होता है, तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो बिल्कुल भी इधर नहीं आना यार, बहुत गंदा सीन हो जाएगा आपके साथ। लाइसेंस अगर होगी तभी आना। तो फिलहाल हम पहुँचे हैं, बाकी ये देखो बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है, बहुत ही मस्त है यार, क्या व्यू है इधर से ये चेक करो, बहुत ही मस्त व्यू है। तो एंट्री कराते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो गाइज अभी उधर से ना कुछ ब्लास्टिंग चल रही है, जैसे ही धमाका हुआ ना मेरे हार्ट में धमाका हो गया यार, मैं इतना ज़्यादा डर गया ना। मुझे यहाँ पे एंट्री के लिए बोल रहे थे, डर गया, मैंने एंट्री छोड़ दी, मैं भागने वाला था। मतलब वो क्या धुआं उठ रहा है यार वहाँ से कुछ पहाड़ों के पीछे से, अगर आपको दिख रहा होगा। बाकी इधर ये बोर्ड वोर्ड ड्रास, हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं। बाकी ये व्यू चेक करो, पहाड़ वहाड़ कितने मस्त हैं। तो अभी निकलते हैं इधर से, मिलते हैं फिर आगे। इधर पे था स्ट्रेट रोड, एंड आज टॉप एंड मारी यार 135 तक गई। तो बाकी ये लोकेशन चेक करो कितनी मस्त है, वो देखो मेरा वेट नहीं कर रहा, मुझे इसी बात पे गुस्सा आता है, मैंने खुद का माउंट निकाल के उसको दिया बट वो मेरा वेट नहीं कर रहा। अब बंदे को गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा, मेरे को शॉर्ट उठाने पड़ते हैं यार। तो मैं आपको इधर ये लोकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं भी निकलता हूँ। गाइज चेक करो यार क्या लोकेशन है यार, ब्यूटीफुल लोकेशन है, इधर से ज़मीन वमीन है, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मैं अभी निकलता हूँ, वो बहुत आगे चले गए यार, मेरा वेट बहुत नहीं कर रहे हैं। बाकी ये देखो ना मिट्टी के पहाड़ लग रहे हैं पूरे, वो डेजर्ट टाइप पहाड़ चेक करो यार कितने मस्त है। एंड इधर की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इधर का रिवर ना ऊपर की साइड जाता है, एंड ये देखो स्ट्रेट रोड, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, एंड ये पहाड़ वहाड़ देखो। मैं अकेले हूँ यार, मतलब मेरा मूड ही ख़राब हो गया, वो बंदे ना भाग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम अकेले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये देखो रोड चेक करो, मतलब मस्त है यार, भगा सकते हैं इधर से आराम से, बट उधर से ना जोजला से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी आप ये देखो यार पूरा डेजर्ट, मतलब ये डेजर्ट ही एरिया ही है, तो ये बहुत ही सही लग रहे हैं पहाड़। गाइस अभी आए कुछ इस तरह की लोकेशन पे, ये चेक करो यार रोड क्या मस्त लग रहा है, मतलब बंदा ना बात बात पे 100 मार देता है, बहुत ही मस्त रोड है। तो अभी ये भी रुक गए, मैं इनसे बात नहीं कर रहा सच बोलूँ तो, मैं ना सीधे ही निकल, ये वहाँ पे रुके हुए थे मैं सीधे आ गया, अब ये भी आ गए यहाँ पे रुक गए। चलो नाराज़गी नहीं रखेंगे यार, ट्रिप थोड़ी ख़राब करेंगे, मैं बस थोड़ा मतलब ड्रामे वामे करने पड़ते हैं यार। तो फिलहाल बाकी आप लोकेशन चेक कर लो यार, कितनी मस्त लोकेशन है। तो इधर से फिर से टॉप एंड मारेंगे, तो उसके बाद चलते हैं होटल पे, उधर कुछ खाएंगे वाएंगे, देखेंगे आगे आगे क्या होगा। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं द्रास मार्केट, बाकी इधर आए अपने कुछ भाई, मुबशर भाई आए हैं, उनके साथ कुछ और भाई आए हैं, साजिद भाई थोड़ा गुस्सा है, उन आदिल भाई भी हो रहे। तो अभी चलते हैं पहले अपने होटल पे कुछ खाते हैं, उसके बाद जाते हैं वो, मतलब मेरे को लगता है व्लॉग ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो पहले आगे मतलब शॉर्ट एक दो लेके व्लॉग एंड करते हैं, उसके बाद का नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं। तो फिलहाल चलते हैं अपने होटल पे, उधर कुछ खाते हैं। जी गाइस अभी खाना वाना तो हमने कुछ भी नहीं खाया, साजिद भाई के फ्रेंड एक थे उनसे मिलने जाना था, एंड ये भाई लोग आए हुए हैं, जिंदा फैन हूं इसका, जिंदा फैन है, और एमडी के साथ आए हुए हैं ये। तो फिलहाल तो बैठे हुए हैं इधर ही, खाना वाना खाएंगे उसके बाद जाएंगे कहीं, वो आपको सेकंड व्लॉग में मतलब नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा कि कहाँ गए। तो वो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो। खत्म मिलते हैं, कैसे हो? यूट्यूबर के सबसे बड़ी कमजोरी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बंदे ने मतलब बहुत एफर्ट लगाया है जोजला क्रॉस करके यार, इतना तो बंद दूसरी टैंकी से, जो भी बंदे द्रास से पर ट्रक से तेल चुराया बेचारे ने, थोड़ा सा तो भाई लोग सब्सक्राइब बनता है। तो अभी क्या करते हैं, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।